बाद जो मैंने नंबर मिल गया पुलिस वाले का, करने के बाद मुझे ज़्यादा एहसास था कि थोड़ा बहुत उसके दौरान मैंने कभी उन्हें ड्रेस पहनी और कुछ काम किए पुलिस वालों की तरह, तो बहुत मुझे इस बात का एहसास था कि क्या क्या गुजरते हैं उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ और एक्टिंग बहुत आसान होती है पुलिस वाले की एक्टिंग करनी, लेकिन पुलिस वाला बनना और एक्चुअली ज़िंदगी को जीना जब आप रात को बरसात हो रही होती है, धूप पड़ रही होती है, आपको अपनी ड्यूटी कर रही होती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, दिवाली हो, होली हो, ये लोग अपने त्यौहार नहीं सेलिब्रेट कर पाते, तो ऐसे मौके पर हम एक्टर्स को इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, उनको एक्टिंग करने से निकल जाना नॉट आई एम नॉट लो एट ऑल, मैं अंदर से आया हूँ और मेरा मूड काफ़ी उन लोगों में, जिस तरह के अवार्ड्स हैं, कई लोगों ने अपनी जान दी, कई लोगों ने अपना जिंदगी दे दी, जान दे दी, और उन लोगों को मैंने देखा जो उनके बिहार के अवार्ड मिले, उन लोगों ने अपनी जान तक कहीं कर बहुत सारे काम किए, तो मेरा मूड ऑफकोर्स चेंज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे टीवी के अवार्ड होते हैं, फिल्मों के अवार्ड होते हैं, जाते हैं तो एक परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है, लेकिन ये लोग एक ऐसी परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने उपयोग कर दी, उसकी अपनी जान दे दिया और उसके बाद फैमिली उसको अवार्ड मिला, तो ऑफकोर्स मेरा मूड थोड़ा सा नहीं कर सकता है। लेकिन आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आप जानते हो लेकिन पहचान नहीं? क्या कह रहे हैं आप? आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आप जानते हो लेकिन पहचान नहीं? बता देना होता है, तो थोड़े दिन पहले मैं ये कर रहा था कि मैं सड़क से जा रहा था तो उन्हें पहचान लिया कि ये एक्टर है और बोले गुड डे नाव का है तो वो रूटीन का हिस्सा बन जाता है। ऑफकोर्स ओके गब्बर के बाद आप इमेज चेंज हुआ है, क्योंकि आपका रोल काफ़ी करा गया, काफ़ी सीरियस होता है, अनएक्सपेक्टेड था, तो इसके बाद आपने कुछ ऐसा नोटिस किया इमेज चेंज? क्योंकि अपने अंदर मैं हमेशा यही करता रहा हूँ, अलग अलग किरदार, लेकिन ये अलग तरह का किरदार था, मुझे थोड़ा सा कि लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अंदर ऑफकोर्स एक चेंज आया है कि मुझे आत्मविश्वास बढ़ा है मेरा, कि मैंने एक डिफरेंट चीज़ की जो मैं रेगुलरली ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ किया और लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरा आत्मविश्वास पार्ट थे इसके अंदर, उस किरदार के अंदर मुझे ऑफकोर्स लगता है ऐसा कई बार फील होता है कि इतना हार्डवर्क करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो उसको हमें लोगों को और गवर्नमेंट को दोनों को एक्नॉलेज करना चाहिए और ज़्यादा, और उसको ध्यान देना चाहिए उनके वेलबींग पे, क्योंकि वो अगर खुश है तो ऑफकोर्स हमारे लिए अच्छा और काम कर सकते हैं। नहीं ये सर मुडासी होने पड़े गर्मी हो रही थी तो मैंने बाल कटा दिए, अच्छा, तो बाद जैसे बाहर आया दुकान से तो वहाँ बारिश होने लगी मेरे सिर पे, आने वाले प्रोजेक्ट जो होंगे आपके, हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा, ये जल्दी बताऊँगा, एक दो प्रोजेक्ट है जल्दी आएंगे। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? हाँ ये ऐसे ही आप आज जैसा आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे हैं तो और प्रोड्यूसर सोचते हैं बहुत मैं ज़्यादा बिजो करूँगा। थैंक यू। देखिए मैं आज सरेआम बताना चाहता हूँ कि मैं एक भरा पूरा मर्द हूँ और मुझे मर्दी सब और दूसरी बात क्वालिटी उसमें एक जो मुझे अच्छी लगती है वो ये एज एन एक्टर की मैं कैरेक्टर में जब आप सोचते हैं तो मैं काफ़ी हद तक अपने आप को सुनते हुए मेडिटेशन होता है और मैं उसे इंजॉय करता हूँ, मैं वो बन जाता हूँ थोड़ा बहुत।
जितना मैं बन सकता हूँ, लेकिन जितने भी जितना मैं बन पाता हूँ उतना बड़ा इन्जॉय करता हूँ। ये क्वालिटी अपने बारे में।